हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसके लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है हमें ये पता होना कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले एक्सपोनेंट एंड पावर्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर्स, एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 3 और 3 के ऊपर मैंने लिख दिया 2, तो ये 3 तो हमारा होगा बेस और 2 को हम कहेंगे एक्सपोनेंट। जो ऊपर लिखी हुई डिजिट है उसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे और जो नीचे लिखी हुई है वो हमारा बेस होगा, और ये दोनों मिलकर एक पावर बनाएंगे। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इससे पहले तो हम बोलेंगे 3 raised to the power 2। और अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारा बेस है, जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का जो नंबर है उतने टाइम हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंट का नंबर 2 है तो बेस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट्स देख लेते हैं, बेसिक जो होते हैं। पहले वो, जैसे मैंने पहले लिखा था 3 raised to the power 2, तो अगर किसी की एक्सपोनेंट 2 होती है तो उसे हम स्क्वेयर कहेंगे, चाहे किसी भी डिजिट की हो। और अगर किसी डिजिट की जो एक्सपोनेंट है वो 3 होती है तो उसे हम क्यूब कहेंगे। और 3 से आगे जितनी भी होती है उन सभी को हम raised to the power इस तरह कहेंगे, जैसे 2 raised to the power 6, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 10, इसी तरह। और अगर किसी चीज़ की पावर 1 होगी, 2 raised to the power 1, तो इसका तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 को हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसलिए वो सिंगल टाइम खुद ही आ जाएगा। अब हम लॉज देख लेते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, अगर आपने ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ लिए, मतलब आपको पावर एंड एक्सपोनेंट की जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली पूरी क्लियर हो गई, आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका फर्स्ट लॉ है कि अगर हमारे बेस मल्टीप्लाई में हो, सेम बेस, और उनकी पावर डिफरेंट हो, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम बेस को सिंगल टाइम लिख कर पावर्स का एड कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, एग्जाम्पल में हम लेते हैं 2 raised to the power 3 multiplied 2 raised to the power 2, तो 2 raised to the power 3 plus 2, इसलिए 2 raised to the power 5, इस तरह होगा। और 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32, तो हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ हमारा है कि उसी सेम सिचुएशन में, बेस सेम एंड पावर डिफरेंट में, अगर मल्टीप्लाई की जगह बेस डिवाइड में हो तो हम क्या करेंगे, तो हम बेस को सिंगल टाइम लिखकर पावर्स का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2 raised to the power 3 divided by 2 raised to the power 2 is equal to 2 raised to the power 3 minus 2, तो इसका आएगा 2 raised to the power 1, तो इसका 2 ही आंसर आ जाएगा। थर्ड लॉ हमारा है कि अगर हो पावर ऑफ पावर, a raised to the power m and m raised to the power n, तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 raised to the power 2 and 2 raised to the power 3, तो 2 raised to the power 2 multiply 3 is equal to 2 raised to the power 6, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 6 and sorry 8 to the 16 and 16 to the 32 and 32 to the 64, तो इसका भी आंसर हो चुका है। अब आता है कि अगर हमारे पास हो कुछ इस तरह कि अपॉन में, डिवाइड में, अपॉन में जो है डिजिट्स हो, a अपॉन b
या फिर a डिवाइड बाई v, दोनों सेम ही चीज़ है, और उनकी पावर है, उनकी एक्सपोनेंट है m, तो वो दोनों में सेम लिखी जाएगी। b की एक्सपोनेंट भी 1m होगी और a की एक्सपोनेंट भी m होगी। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि जैसे 2/3 रेस टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2^2/3^2। तो इसे हम आगे अगर सॉल्व करें तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 4/9, इसका ये हो जाएगा आंसर। अब आगे हम फिफ्थ लॉ की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ लॉ हमारा है कि अगर हमारे पास हो बेस डिवाइड मल्टीप्लाई में और उनकी पावर हो ओनली 1 और वो ब्रैकेट के अंदर हो, तो पावर सेम डिवाइड हो जाएगी दोनों के पास। फॉर एग्जांपल 2/3^m की जगह हम कोई डिजिट ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 3, सो 2^3 मल्टीप्लाई 3^3, ये इस तरह हो जाएगा। 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 एंड 4 × 8 एंड 3 का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 9 एंड 9 × 3 = 27। अब आगे इन दोनों का मल्टीप्लाई होके आंसर निकल जाएगा। तो सिक्स्थ जो हमारा लो है वो ये है कि हमें इसमें करना होगा रेसिप्रोकल, कि अगर हमारी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है तो उसे पॉजिटिव में चेंज कैसे किया जाएगा। तो इसका जो है ये इस तरह है। अब इसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम इन दोनों को चेंज करेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल नीचे वाला जाएगा ऊपर, बी ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि ए नीचे। तो इसका जो नेगेटिव साइन है वो हट जाएगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव का। फॉर एग्जाम्पल 2/3^-3 इज इक्वल टू 3/2^3। अब हमारा लास्ट लो कि अगर किसी चीज की पावर हो 0 तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। 2^0 = 1, 3^0 = 1, कोई भी डिजिट ले लो उसकी पावर 0 है तो बस आंसर 1 ही आएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे 7 लॉज। आई होप यू अंडरस्टैंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।